हेलो क्लास, आज हम आपकी इंग्लिश का बुक का चैप्टर फर्स्ट का ही सेकंड हाफ जो हमने पोएम के बाद आपके बुक में दिया हुआ है रीडिंग पोर्शन, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। तो उसका टाइटल है द नेकलेस। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ना कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। She was one of those pretty and charming girls born into a family of artisans. It was difficult for her to get married into riches. She was married to a clerk of Ministry of Education. अब यहाँ पर एक लड़की की स्टोरी बताई गई है जो बेसिकली बहुत प्रिटी और चार्मिंग होती है, बहुत सुंदर होती है, लेकिन वो किस कैसे तरीके के परिवार में उसका जन्म हुआ था है? जो वर्कर्स होते हैं, जो ये आर्ट का वर्क करते हैं, जो ये स्किल का वर्क करते हैं ना, लाइक जैसे अपन यहाँ पर इंडियन भाषा में कहें कुम्हार लोग होते हैं या जो पेंटर्स लोग होते हैं, इन ये कला का काम करते हैं, लेकिन ये होते तो पुअर ही हैं। तो ऐसी ही फैमिली में उसने जन्म लिया था और उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि वो एक रिच फैमिली में मैरिड हो। तो उसका शादी कहाँ हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट में एक क्लर्क से हुआ था, एक एम्प्लॉय से हुआ था जो वहाँ के काम करता था। शी सफर्ड एंडलेसली फीलिंग herself born for every delicacy and luxury. She suffered from the poorness of her house when she sat down for a dinner at the round table opposite her husband. She took the cover of the soup tureen, exclaiming delightedly, "Ah, delicious! What could be better?" She imagined delicate meal, gleaming silver, delicate food served in a marvelous dish. अब वो लड़की का नेचर कैसा था? वो लड़की यही समझती थी, वो उसने बहुत सारी गरीबी देखी थी, बहुत एंडलेस गरीबी देखी थी, बहुत सफ़र भी किया उसने अपनी होल लाइफ में। और आफ्टर मैरिज उसको ये लगा कि मैं सभी लग्जरी, सभी सुख सुविधा भोगने के लिए ही बनी हूँ, मतलब मुझे मिलना ही मिलना चाहिए। तो उतनी गरीबी देखने के बाद में भी वो पता है क्या करती थी, जब जब आफ्टर मैरिज, जब जब वो एक राउंड टेबल, एक आपको एक सीन दिखाया गया है, राउंड टेबल पर अपने हस्बैंड के साथ में जब वो डिनर करने के लिए बैठती थी, तो वो अपने खाने को भी इस तरीके से प्रेजेंट करती थी, जैसे जैसे खाती थी, कि वो बहुत ही रिच तरीके से इस की जगह पे बैठी है, बहुत रिच है, महारानी है, और उसका सूप है वो एक सिल्वर बाउल में सर्व हो रहा है। तो वो अपने आप को प्रेजेंट भी वैसे करती थी, जैसे यहाँ पे एक उसने एक्सक्लेमिंग डिलाइटली, यानी कि उसने अपने भाव बताए हैं, जैसे वो एक स्पून उसने लिया सूप का और बोला, "आ, डिलिशियसली, व्हाट कुड बी बेटर?" मतलब कितना स्वाद है, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। वो हमेशा प्रटेंड करती कि मैं रिच हूँ, मैं रिच बन सकती हूँ या मैं रिच बनने के लिए ही बनी हुई हूँ। तो वो हमेशा ये जब जब खाना खाने को भी बैठती, डिनर पे भी बैठती, तब वो यही समझती कि ये खाना जो है वो चांदी के डिशेज में, ब्यूटिफुल सी डिशेज में सर्व हुआ हुआ है। ओके, आगे है। शी ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ रिच। वो हमेशा से अमीर बनना चाहती थी, बट सच्चाई क्या थी? शी हैज़ नो क्लोथ्स, नो ज्वेल्स, नथिंग, एंड दीज वर द ओनली थिंग्स शी लव्स। उसके पास ना ही तो कपड़े थे, ना ही ज्वेलरी थी, कुछ भी नहीं था, और यही चीज़ों से खाली से उसको प्यार था। ओके, शी हैड अ रिच फ्रेंड, एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड। एक उसका बहुत पुराना स्कूल का फ्रेंड था जो रिच था, लेकिन उससे भी उसने मिलने से मना कर दिया, होम शी रिफ्यूज टू विजिट बिकॉज अपॉन रिटर्निंग शी वुड वीप होल डे विद ग्रीफ, रिग्रेट, डिस्पेयर एंड मिजरी। क्यों मिलने से मना कर दिया? क्योंकि वो तो मटेरियलिस्टिक थी लड़की, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार था, या फिर कुछ जैसी चीज़ें होती हैं उसी से प्यार था। लेकिन उसने उस दोस्त से मना कर दिया क्योंकि उसके लौटने के बाद में उसके पास दुख तकलीफ के रोने के अलावा कुछ नहीं रह गया था, इसलिए उसने उससे मिलने से इनकार कर दिया। वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम विद एन एग्जॉल्टिंग एयर, होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप इन हिज हैंड। "Here's something for you," he said. एक दिन अब ये एक सीन बताया है आपको आगे। एक दिन उसके हस्बैंड घर पे आए बहुत अच्छी वाइब्स के साथ में, यानी कि वाइब्स मतलब बहुत अच्छी हवा के साथ में आए, और उनके हाथ में क्या था? एक एनवलप था, एक लिफाफा था बड़ा वाला, और उन्होंने कहा, "ये लो, ये आपके लिए है," अपनी वाइफ को देते हुए दिखाया। यहाँ पे देखिए, आप एक नीचे आपके एक सीन में भी बताया गया है, ये हस्बैंड यहाँ पर अपनी वाइफ को ये एनवलप देते हुए कहा, "ये आपके लिए है." The envelope had an invitation from the Ministry of Education from the Moser and Madam Lozell at the Ministry. तो उन्होंने क्या कहा? ये envelope है, ये हमारे एक invitation आया है, कहाँ से? Ministry of Education के वहाँ से हमारे लिए invitation आया है, उसने कहा, Madam Lozell।
लेकिन उसने वो देखने की बजाय, वो खुश होने की बजाय उसने क्या किया, लड़की ने वो फेंक दिया एंड मतलब हवा में उछाल दिया एनवलप। ये देखिए आगे की लाइन में लिखा है ना, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइट शी फ्लंग द इनविटेशन अक्रॉस द टेबल मर्मरिंग व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दिस। उसने कहा, उसने हवा में उछाला और बोला तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ इसके साथ में। तो फिर मिस्टर मॉजल ने उससे पूछा कि वाई डार्लिंग आई थॉट यू हैव बी प्लीज यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ ग्रेट ओकेजन। उसने सोचा कि मुझे लगा कि तुम खुश होगी क्योंकि तुम कभी घर से बाहर नहीं जाती हो और ये एक अवसर मिला है तुम्हें बाहर जाने का, उनके हस्बैंड ने कहा। तो उन्होंने रिप्लाई दिया, आई हैड ट्रमेंडियस ट्रबल इन गेटिंग इट, इट्स वेरी सेलेक्ट एंड वेरी फ्यू गो टू द क्लर्क, यू विल सी ऑल द रियली बिग पीपल देयर। तो आगे उसके आगे मिस्टर मोजल ने उसको समझाया कि मैं बहुत सारी परेशानियों में गिरा हुआ हूँ और खाली सिलेक्टेड ही क्लर्क ऐसे जो चुने गए हैं जो इस पार्टी में आ सकते हैं और तुम्हें वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात होगी, तुम्हारी वहाँ पे ओनली रिच पीपल ही आते हैं, उनको समझाया उन्होंने। तो आगे उस लड़की ने क्या कहा, शी लुक्ड एट हिम एट द फ्यूरियस आई एंड सेड इम्पेशेंटली। उसने बड़ी तेज उस नज़र से उसको देखा, गुस्से की नज़र से देखा और एकदम से क्या कहा उसको, एंड व्हाट डू यू सपोज आई एम टू वेयर इट एट सच एन अफेयर। फिर उसने कहा तो तुम क्या सोचते हो कि ऐसे ऐसे बड़ी पार्टी में मैं क्या पहनूं, मतलब वो उसको बताना चाहती थी कि मेरे पास कुछ नहीं है पहनने को। तो आगे मिस्टर मोजल ही स्टॉप व्हेन ही सॉ दैट हिज वाइफ वॉज बीइंग टू क्राई। आगे कुछ बोलते लेकिन उससे पहले उनकी वाइफ क्राई करने लगी, रोने लगी, ही वॉज हार्ट ब्रोकन। फिर उनका दिल टूट गया, वट डू यू बी द कॉस्ट ऑफ सुटेबल ड्रेस ही आस्क। फिर उन्होंने क्या पूछा कि भाई तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे ड्रेस का कीमत क्या होगा, कितने में आ जाएगा तुम्हारा ड्रेस। तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया मिसेस लॉजल ने, शी रिप्लाइड विद सम हेजिटेशन। उसने हिचकिचाते हुए थोड़ा कहा, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक आई कुड डू इट इन 400 फ्रांसिस। तो उसने क्या बोला कि मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं कि ये कितने में आएगा बट मुझे लगता है 400 फ्रांसिस में आ जाएगा। फ्रांसिस एक तरीके की करेंसी है जो वहाँ पर यूज़ होती थी। ओके तो मिस्टर मोजल ने क्या किया, ही हैड बीन सेविंग मनी फॉर बाइंग अ न्यू सूटकेस बट ही गेव हर द मनी। मैडम लॉजल बॉट अ प्रिटी गाउन फॉर हरसेल्फ, स्टिल एट द डे ऑफ द पार्टी ड्रू न्यू नियर शी सीम्ड सैड एंड एंशियस। तो मिस्टर मोजल ने क्या किया, ये देखकर कि उनकी वाइफ बड़ी अपसेट है, उनके पास कुछ पहनने को नहीं है, तो अपने सूटकेस खरीदने के लिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा हमेशा जमा किया, तो वो अपनी वाइफ को दे दिया कि भाई तुम इसके इस पैसों से अपना ड्रेस ले आओ। तो उन्होंने, मैडम मोजल ने एक ब्यूटीफुल सा गाउन भी उस पैसों से परचेज कर लिया, खरीद लिया। लेकिन स्टिल जब जैसे जैसे पार्टी का दिन नज़दीक आ रहा था वो दुखी होती जा रही थी, एंशियस यानी चिंतित होती जा रही थी। ओके तो यहाँ तक का हमने आज रीड किया है, इसके आगे का रीडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस यहाँ तक की स्टोरी को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और वापस से इसको अपने हिसाब से समझेंगे। थैंक यू।